behavior of a returning officer, looks at the camera, defaces the ballot, and then, and obviously, where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But in so far as that observation concerned, Malod, please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him. Malod. And we will not allow democracy to be murdered like this. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह की धांधली और दादागिरी की तस्वीरें आई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हुआ, बल्कि कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को जबरदस्त हड़का दिया। सीजीआई ने पीठासीन अधिकारी की इस हरकत को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए उस अधिकारी पर केस दर्ज करने तक की बात कह दी। ऐसे में क्या चंडीगढ़ का मेयर चुनाव रद्द होगा और क्या ताकत के दम पर लूटी गई सत्ता वापस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलेगी? ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, उसे समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली राम। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चुनाव में पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए धांधली का आरोप लगाया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दो टूक शब्दों में कहा है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ तो मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि क्या चुनाव के पीठासीन अधिकारी को ऐसा बर्ताव करना चाहिए, यह तो लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया है। मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी बने अनिल मसीह की जमकर आलोचना की है। अदालत ने कहा यह साफ है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बैलेट पेपर से छेड़छाड़ की है। सीजीआई ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या चुनाव कराने का उनका यही तरीका है, ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ये सब देखकर हैरान हैं, इस आदमी के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, क्या किसी रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसा बर्ताव करना चाहिए और उस अधिकारी का बार बार कैमरे की तरफ देखने का मतलब क्या है? सुनिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी। बिहेवियर ऑफ अ रिटर्निंग ऑफिसर, लुक्स एट द कैमरा, डिफेसेस द बैलेट एंड देन एंड ऑब्वियसली वेयर देयर इज अ क्रॉस एट द बॉटम, ही जस्ट कीप्स इट इनटू द ट्रे। द मोमेंट देयर इज अ क्रॉस एट द टॉप, द मैन डिफेसेस द बैलेट एंड देन लुक्स एट द कैमरा टू सी हु इज लुकिंग एट हिम। बट इन सो फार एज दैट ऑब्जर्वेशन कंसर्न, Malod, प्लीज टेल योर रिटर्निंग ऑफिसर दैट द सुप्रीम कोर्ट इज वॉचिंग ओवर हिम एंड वी विल नॉट अलाउ डेमोक्रेसी टू बी मर्डर्ड लाइक दिस। योर लॉर्डशिप्स में काइंडली, द ओनली थिंग द ग्रेट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन दिस कंट्री इज द प्योरिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के साथ बैलेट पेपर और अन्य चीजों की रिकॉर्ड रखा जाए, साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के जरिए सभी जरूरी चीजों की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले नगर निगम की कोई बैठक भी नहीं बुलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी लोकतंत्र के लुटेरों को नंगा करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है उससे लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। लोग पहले से ईवीएम की चुनावी प्रक्रिया को शक की नजर से देख रहे हैं। ऐसे में बैलेट से जिस तरह की लूट देखने को मिली उसने लोगों के मन में एक तरह का डर पैदा कर दिया है, क्योंकि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 12 पार्षद हैं, कांग्रेस के पास 8 जबकि भाजपा के पास 16 पार्षद हैं। लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी, ऐसे में कांग्रेस और आपके 20 पार्षद हैं जबकि भाजपा के 16। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोटों को रद्द कर दिया। ऐसे में इंडिया गठबंधन को 12 और भाजपा को 16 वोट मिले और सारे के सारे 8 वोट आप और कांग्रेस के रद्द हुए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बता दी और साथ ही अधिकारी पर केस दर्ज करने तक की बात कह दी। तो सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जितना ज्यादा हो सके खबर अड्डा को थैंक्स और ज्वाइन से सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर देर किस बात की है, अभी फौरन कर लें।